Hello, good morning to you all and welcome to your own channel Lifeline. आपका अपने चैनल में स्वागत है. हालांकि हमें कई मेल ऐसे लिखते हैं कि काम की बात नहीं करिए, बेकार की बातें करिए ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, हम एंजॉय करें, क्योंकि काम की बातें सभी करते हैं. परंतु इस बार कुछ मैटर ऐसा है कि केवल एक एपिसोड के लिए हमें थोड़ा सा काम की बात करने की ज़रूरत आन पड़ी है. व्हाट आई मीन इज हेल्थ. नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट. अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं या फिर आपके सबसे अपने कौन हैं, तो द आंसर इज मैं तो घर में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ. अपना कौन है? मेरे सबसे करीबी कौन है? मेरा जीवन साथी कौन है? आइदर इट वुड बी पति या पत्नी, या कोई बोलेंगे कि पति पत्नी का डेथ हो गया तो बच्चे, या फिर माँ पापा. जेंटलमैन, हम अपने शरीर में रहते हैं और हमारा जीवन साथी भी ये शरीर है. लेट्स बी प्रैक्टिकल. जो 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है. क्यों? क्योंकि हम वहीं पे बसते हैं. यस, मॉडर्न सेल्फ ग्रूमिंग भी यही कहता है कि देयर आर 3 एंटिटीज. वन इज मी, अनदर इज माय माइंड, अनदर इज माय बॉडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माय बॉडी, बिकॉज माय माइंड इज देयर इन माय बॉडी. कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर ठीक नहीं है तो मन भी अच्छा नहीं लगता है. दैट मीन्स बॉडी कम्स फर्स्ट. तो एज द लाइफ कोचेस यूज टू से और आस्क रेदर टू द व्यूअर्स, आप अपने शरीर को 24 घंटे में कितना समय देते हैं? आप अपने मन को कितना समय देते हैं? तो जनाब, पहले शरीर को थोड़ा सा समय दीजिए, फिर मन को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आपका एंटिटी भी इस दोनों में है और सबसे इंपॉर्टेंट है शरीर. शरीर कहा जाता है कि आत्मा नश्वर है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है. हम तो यही देखते हैं. बड़े बुजुर्गों को कई सारे डेथ देखे हैं हमने अपने जीवन में. यस, ऑलमोस्ट एवरीवन. तो शरीर का जैसे ही डेथ हो गया, ना मन रहा ना आत्मा दिखाई दिया. तो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल एंड रैशनल. अपने शरीर के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है. आज क्यों अचानक ये बात आ गई? इसलिए आ गई. क्यों? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों, इन द रिसेंट पास्ट, फ्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु वेयर फिटनेस क्रेजी पीपल, फिटनेस इन्फ्लुएंसर रैदर, उनकी डेथ हो गई. कार्डियक अरेस्ट, किसी का ये किसी का वो. दैट मीन्स व्हाट? हम बाहर से तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं, पर अंदर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता. हाल ही में कुछ एथलेट्स के बारे में पता चला, कुछ बॉक्सर के बारे में पता चला, और भी स्पोर्ट्समैन के बारे में पता चलता है कि कार्डियक अरेस्ट होके वो मौत के शिकार हो गए. देन व्हाट इज टू बी डन? यहाँ पे सपोज थोड़ा सा हमारा कुछ एक स्पॉट आया तो उसमें इतना क्रीम लगाते हैं, उतना कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, समय देते हैं. बट व्हाट अबाउट द इनसाइड ऑर्गन्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट इज, एज वी ग्रो ओल्ड, वी मस्ट स्टिक टू साइंटिफिक फूड. बाहर का खाना कम खाएं, नंबर वन. नंबर टू, जितना हो सके समय पे खाना खाएं.
टाइमलीनेस, समय पे सोएं, कम से कम 6 से 7 घंटा या मैक्सिमम 8 घंटा भी सोएं, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, कम से कम गर्मी के सीज़न में 2 बार नहाएं, अपने सारे ऑर्गन्स का ख्याल रखें। आज के डेट में हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। गूगल कैन आंसर एनी क्वेश्चन एंड विच आर करेक्ट। देन कम्स एक्सरसाइजेस। आज मैं एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ये बताते नहीं हैं। लेट मी टेल यू, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विथ योगा एंड प्राणायाम फॉर मेनी ईयर्स ऑन मी। मैंने अपने शरीर पे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसका फायदा मुझे मिला है और मैं आपसे वो शेयर करूंगा, पर्टिकुलरली फॉर दोज ऑर्गन्स, लंग्स एंड हार्ट। खाना पीना, टाइमलीनेस, थोड़ा सा योगा प्राणायाम जो कॉमन है वो करने से बाकी सारे ऑर्गन्स ठीक है। व्हाट अबाउट लंग्स एंड हार्ट? आई एम कमिंग टू दैट। लंग्स के लिए जो भी प्राणायाम होता है वो लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? बिकॉज प्राणायाम इज ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसमें एक प्राणायाम है जिनको कहा जाता है भ्रमण प्राणायाम। वो क्या है? जैसे बहुत से लोग, हम लोग टहलते हैं और जॉगिंग भी करते हैं, तो पर्टिकुलरली टहलते समय अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि 6 स्टेप में सांस को लेंगे और फिर 8 स्टेप में छोड़ेंगे, या शुरुआती तौर पे 4 स्टेप में सांस को लेंगे और 6 स्टेप में छोड़ेंगे, सेकेंड स्टेज 6 स्टेप में सांस को लेंगे, 8 स्टेप में छोड़ेंगे, थर्ड स्टेज 8 स्टेप में छोड़ेंगे, 12 स्टेप में उसको रिलीज करेंगे, और लास्ट वन इज 12 स्टेप में सांस को लेंगे और 18 स्टेप में छोड़ेंगे। लेट मी टेल यू, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फॉर द लास्ट 30 ईयर्स और मे बी मोर, स्टिल आई एम ऑन द थर्ड स्टेज। ये इतना कठिन है, पर शुरुआती जो है 4 स्टेप में सांस लेना, चलते चलते 1 2 3 4 इनहेल हो गया, 5 6 7 8 9 10 एक्सेल हो गया, फिर 11 वाला में 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 इनहेल हो गया, 5 6 7 8 9 10 एक्सेल हो गया। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम लंग्स भर के हमारा सांस जाएगा, तो लंग्स स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा। ज़्यादा ऑक्सीजन जैसे ही इनटेक होगा, लंग्स में जो ब्लड प्यूरिफाई होता है उसमें ब्लड के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, एंड वी विल बिकम मोर एनर्जेटिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट का फंक्शन जो इनवॉलेंट्री है, हार्ट तो माँ के कोख से बीट कर ही रहा है हमारे जन्म से पहले, और डिपेंडिंग ऑन द मदर्स हेल्थ ये तय हो जाता है कि हमारा हार्ट पूरी ज़िंदगी में कितने बार बीट करेगा, और फिर आगे चल के हमारा रहन सहन भी उसको इफ़ेक्ट करता है। तो मान के चलते हैं कि रहन सहन हमारा ठीक है, लेकिन अगर तय हो गया कि हमारे जन्म से पहले कि ये जो हार्ट बना है मेरा, ये 10 करोड़ बार बीट करेगा, तो एज सून एज 10 करोड़ टाइम्स इज ओवर, वो हार्ट बीट बंद हो जाएगा। नाउ जैसे ही हम भ्रमण प्राणायाम करते हैं, वो हमारा हार्ट बीट को घटा देता है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलिए कि 70 से 75 तक हार्ट बीट कर रहा है, बट अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद, मतलब इनहेल करने के बाद थोड़ी देर उसको रखते हैं अंदर और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं सांस को, तो हार्ट बीट कम हो जाता है। दैट मीन्स इट्स अ सिंपल इक्वेशन दैट वी आर सेविंग हार्ट बीट्स। तो 10 करोड़ बार कम होगा, थोड़ा थोड़ा पिछड़ते जाएगा, तो 1 घंटा अगर हम लोग भ्रमण प्राणायाम करते हैं तो वी कैन सेव 500 हार्ट बीट्स इवन, मतलब 2 दिन में 1000, 20 दिन में 10,000 हार्ट बीट हम चोरी कर रहे हैं, और हमारा हार्ट को रेस्ट भी मिल रहा है, अदरवाइज तो रेस्ट नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में दम नहीं है, तो एक और उपाय है जिससे आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उद्गीत प्राणायाम करते हैं, ऐसे पद्मासन में बैठ के प्रेफरेबली, और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और लंबी सांस लेते हैं, ओ रिलीज
रिलीज करते समय ओम बोलते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, मतलब सांस लेने में लगभग हम लोग 10 सेकेंड लिए और फिर 20 सेकेंड को सांस को बाहर किए, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू रिड्यूसिंग योर हार्ट रेट, हार्ट बीट रेट या पल्स रेट। ये आप एक मिनट के लिए करके देखिए और फिर धीरे से अपना पल्स चेक करिए, आपको दिखेगा कि पल्स रेट घट गया है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो आपको वैसे भी दिखेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग टहलते समय भ्रमण प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा वो हर रोज उद्गीत प्राणायाम, ओ दो मिनट बाद आपको एहसास होगा कि आपका पल्स रेट घट गया है, मतलब योर हार्ट इज गेटिंग रेस्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए जैसे कुछ लोग कहते हैं, यार बंगला में इसको कहते हैं दिनों को तो पापो खोए, यार जिंदा हूँ, यार चल रहा है, क्यों चल रहा है यार, एंजॉय करो। ये मनुष्य जीवन बहुत जन्मों का पुण्य फल होता है, इसको एंजॉय करिए, खुद खुश रखिए, खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि हमारा टैगलाइन है खुशियाँ बटोरें खुशियाँ बिखेरें। ऑल द बेस्ट, अगले एपिसोड में एक बहुत मज़ेदार कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अंततः एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हमने पेश किया है, प्लीज़ वॉच द वीडियो, बी हैप्पी एंड enjoy your life. At some point between the 1st and 5th century CE, the Hindu sage Patanjali began to codify the ancient meditative traditions practiced throughout India. He recorded techniques nearly as old as Indian civilization itself in 196 manuals called the Yoga Sutras. These texts defined yoga as the yoking or restraining of the mind from focusing on external objects in efforts to reach a state of pure consciousness. Over time, yoga came to incorporate physical elements from gymnastics and wrestling. Today, there are a multitude of approaches to modern yoga, though most still maintain the three core elements of Patanjali's practice: physical postures, breathing exercises, and spiritual contemplation. This blend of physical and mental exercise is widely believed to have a unique set of health advantages, such as improving strength and flexibility, boosting heart and lung function, and enhancing psychological well-being. But what have contemporary studies shown regarding the benefits of this ancient tradition? Its unique combination of activities makes it difficult to determine which component is producing a specific health benefit. There are some health benefits that have more robust scientific support than others. Adding yoga to an existing exercise routine can improve strength and flexibility for hard-to-treat conditions like chronic lower back pain, rheumatoid arthritis, and osteoporosis. Yoga's mix of physical exercise and regimented breathing has proven similarly therapeutic for lung health. Lung diseases like chronic bronchitis, emphysema, and asthma shrink the passageways that carry oxygen, while weakening the membrane that brings oxygen into the blood. But breathing exercises like those found in yoga relax the muscles constricting those passageways and improve oxygen diffusion. Increasing the blood's oxygen content is especially helpful for those with weak heart muscles, who have difficulty pumping enough oxygen throughout the body. And for those with healthy hearts, this practice can lower blood pressure and reduce risk factors for cardiovascular disease. Yoga's most widely celebrated benefit may be the most difficult to prove: its psychological effects. Despite the long-standing association between yoga and psychological well-being,
there's little conclusive evidence on how the practice affects mental health. One of the biggest claims is that yoga improves symptoms of depression and anxiety disorders. Since diagnosis of these conditions varies widely, as do their origin and severity, it's difficult to quantify yoga's impact. However, there is evidence to suggest that yoga can help reduce symptoms of stress, as well as meditation or relaxation. Research on the effects of yoga is still evolving. In the future, we'll need larger studies incorporating diverse participants, which can measure yoga's impact on heart attacks, cancer rates, cognitive function, and more. But for now, yoga can continue its ancient tradition as a way to exercise, reflect, and relax.